अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मुखड्डी हलवा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये 1 कप सूजी है मेरे पास। इसको मैंने 10-15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। आप चाहें तो दूध में भी इसको भिगो सकते हैं। ये 1 कप चीनी है मेरे पास और ये 2 इलायची हैं, सब्ज़ इलायची, और ये किशमिश है। बग़ैर किशमिश या ड्राई फ्रूट के भी इस हलवे का टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का होता है, लेकिन मैं ये चूँकि डालती हूँ मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैंने ये भिगो दिया है साफ़ करके। यहाँ पे आयल, सॉरी, ये घी है, वनस्पति घी जो होता है ये वो है। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे उसकी स्मेल से थोड़ा मसला होता है तो इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया। आयल आपने नहीं करना। कोशिश किया करें कि जो हम लोग मिठाई वगैरह बनाते हैं या मीठी चीज़ बनाते हैं उसमें घी का इस्तेमाल जो टेस्ट है उसको इन्हेंस करता है। ये सब्ज़ इलायची तोड़ के, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी जो है हमारा गर्म हो चुका है। आपने क्वांटिटी का ख्याल रखना है। 1 कप सूजी है, 1 कप ये डालडा है, घी है, और ये 1 कप के करीब चीनी है। ये चीज़ें हम नासब मकदार, वो जो 1 ही कप सूजी है, 1 ही कप चीनी और 1 ही कप हम इसमें घी का डालेंगे, इतना ही ये इसमें पड़ेगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये अच्छी तरह घी में हम चीनी को मेल्ट होने के लिए रख देंगे। ये साथ में अपने चम्मच को मुसलसल हिलाना है और ये आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। अगर तेज़ रखेंगी तो एकदम से आपकी जो ये चीनी है ये जल जाएगी और टेस्ट जो है वो हलवे का ख़राब आएगा। आंच आपने मीडियम रखनी है और इसको मेल्ट होने तक हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं ये चीनी हमारी जो है वो मेल्ट हो गई है ये घी में। तो अब जो हमने सूजी को भिगो के रखा है पानी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा मेहनत वाला काम है, थोड़ा टाइम लगेगा। सारी सूजी जो थी भीगी हुई हमने भिगो के जो रखी थी वो हमने इसमें डाल दी है। अब हम मुसलसल जो है वो चम्मच इसमें हिलाएंगे इस तरह, और ये आपको जो शीरे का जो ये एक जगह पे जमा हो गया है ये, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे ये बनेगा हम इसमें चम्मच हिलाएंगे तो ये खुद ब खुद ही टूट जाएगा, लेकिन मुसलसल इसके लिए आपने इसको इस तरह करना है। यहाँ पे इसी स्टेज पे हम इसमें ये जो हमने भी घो के रखा हुआ है साफ करके ये किशमिश, ये हम इसमें डाल देंगे। आपने इसको इस तरह चम्मच से साफ करना है। ये आप देख सकते हैं वो चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है। मुझे एकदम से सूजी डालने से जो एक जगह
वो हो गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। जब तक हमारा जो हलवा तैयार होगा तो वो पूरी तरह इसमें मिक्स हो जाएगी। इस तरह आपने कोशिश करना है कि ये जो बर्तन है इसके साथ ये सूजी ना लगे, सेल सेल आपने इसमें समय खिलाना है। जी तो ये बुनाई तकरीबन कंप्लीट हो गई है हमारे हलवे की, आप देख सकते हैं मैंने मसल सेल इसमें समय खिलाई है और हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दी है जिस बर्तन में बनाओ। अगर हलवा अलग होने लग जाए तो ये निशानी है इसकी, और घी भी इसमें से अलग होना शुरू हो गया है। इस हलवे की जो सबसे अहम बात है, जो आपने इसका ख्याल रखना है, वो इसकी बुनाई है। जितना आप इसको ज़्यादा ये देखें आप करेंगे, उतना अच्छा इसका टेस्ट होगा और उतना ज़बरदस्त ये मखड़ी हलवा तैयार होगा। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, ये मेरे हलवे की फाइनल लुक है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये डन हो गया है हमारा हलवा। जी तो ये है हलवे की फाइनल लुक, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बना है बग़ैर किसी ड्राई फ्रूट के, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। आप अगर चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इसमें किशमिश डाला है और बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।